से लेंथ चेक करो, पावर कितनी आ गई, एक आ गई, लेंथ का स्क्वायर करना है, लेंथ यहाँ पे क्या थी 1 मीटर थी, यहाँ पे कितनी आ गई बीटा मीटर आ गई, तो यूनिट दोनों की सेम रखनी है हमेशा, तभी काम चलेगा यहाँ पे। ये होती है मैग्निफिकेशन। अब ये एरियल भी हो सकता है, ये लीनियर भी हो सकता है, और ये वॉल्यूम में भी हो सकता है। तो अब देखते हैं आपका एक्सरसाइज 2.3। इसमें दिया गया है कि एक कैलोरी जो है दैट इज अ यूनिट ऑफ योर हीट और एनर्जी, व्हाट एवर यू से राइट वर्क देन और व्हाट एवर राइट। तो 1 कैलोरी जो है राइट, और ये जो यूनिट है 1 कैलोरी, इसको इसके बारे में बोला गया है कि 1 कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ हीट एंड इट इज इक्वल टू 4 जूल। ये जो है 1 कैलोरी दैट इज इक्वल टू 4 जूल। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, कैलोरी जो है वो सीजीएस यूनिट है और ये आपकी एमकेएस यूनिट है, तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए यहाँ से राइट। अब ये क्या बोल रहा है, अब जूल जो है वो कैसे लिखोगे आप, एमकेएस में मैंने बताया आपको, बट ये इसने बोला हुआ पहले से ही कि 1 जूल जो है उसकी वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 1 kg इंटू मीटर स्क्वायर और यहाँ पे सेकंड -2 m1 l2 t-2। ये आपके डायमेंशन यहाँ से चेक कर सकते हो एनर्जी की जरिए। सपोज वी एम्प्लॉय सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ मास इक्वल्स, अब ये बोल रहा है कि हमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो चेंज करना है राइट, यहाँ पे चेंज ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये यहाँ पे करना है। अब करना है उसके अंदर क्या चीज आएगी, जो आपका मास है उसको आप कैसे लिखोगे, अल्फा केजी से लिखोगे। सिमिलरली आपका जो लेंथ है उसको लिखोगे आप बीटा मीटर से, और आपका जो टाइम है यहां पे उसको लिखोगे गामा सेकंड राइट। तो ये बोला नए यूनिट सिस्टम की मास की वैल्यू इतनी होगी और जो लेंथ है उसकी इतनी और टाइम कितनी राइट। अब ये बोला एक कैलोरी हैज ए मैग्नीट्यूड, सो शो दैट ए कैलोरी हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा -2 और गामा स्क्वायर राइट। तो हम पहले ही बता चुके हैं कैलोरी की वैल्यू एमकेएस में इतनी है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा किसमें, ये नए यूनिट सिस्टम में राइट। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अब अगर यूनिट सिस्टम अगर आपका कन्वर्ट होता है देन उस केस में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो किस तरीके से चेंज होगी, उसको हमने किस कहां से बताया था, जो डायमेंशनल एनालिसिस में थर्ड एप्लीकेशन है आई थिंक थर्ड और सेकंड एप्लीकेशन आई थिंक, वहां से हमने इसको पहले से ही डिस्कस किया हुआ है राइट। तो वहां पे हमने क्या देखा था कि न्यूमेरिकल वैल्यू एन और यूनिट सिस्टम वो आपका कॉन्स्टेंट रहता है, तो दोनों यूनिट सिस्टम का सेम रहेगा। मान लीजिए आपको ये यूनिट सिस्टम N1 है और N1 की निकालनी है N2 की अगर आपको पता है, या फिर आप इसको करिए कि N2 की निकालनी है N1 की मेरे को पता है, तो इसको करेंगे तो ये क्या आएगी U1/U2 आ जाएगी। अब इनको डायमेंशनली दोनों साइड लिखो, डायमेंशनली दोनों साइड लिखोगे तो ये आपका N1 आ गया, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और यहाँ पे MLT है और नीचे भी MLT है राइट। न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट लेस होती है, दैट्स व्हाई MLT कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे MLT जो है, अब यहाँ पे कुछ पावर भी होगी ABC मान लीजिए पावर है, तो ऊपर नीचे पावर सेम होगी राइट। अब यूनिट जो है यू डिसाइड किससे होगी कि किस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो आप राइट, तो ABC की वैल्यू से डिसाइड होगी। अब ऊपर नीचे रेशियो में कट जा रही है दोनों सेम वैल्यूज, तो यूनिट लेस वैल्यू मिलेगी जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू। अब जो मास की यूनिट कट जाएगी और मास की न्यूमेरिकल वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें, बिकॉज यूनिट को कट करने के लिए हमेशा यूनिट दोनों साइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम होनी चाहिए, तभी कैंसिल आउट होगी राइट। तो मान लो कि पुराने वाला जो यूनिट सिस्टम था ये मेरा एमकेएस था, एमकेएस यूनिट सिस्टम था जहाँ पे अपने को
मास जो था वो अपना केजी में है और मीटर में है, लेंथ और टाइम सेकंड में। अब नीचे वाला सिस्टम नया वाला है जिसमें कुछ इस तरीके से वैल्यू दी गई, तो वैल्यू इसकी जस्ट रखिए, तो एन टू की न्यूमेरिकल वैल्यू ओल्ड वैल्यू की कितनी मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसमें एम वन क्या है, 1 kg है, राइट। अब एनर्जी है तो ये जो आपके डायमेंशन है वो क्या हो जाएगी, एम वन एल टू टी माइनस टू, ये डायमेंशन होती है। तो ए बी सी की वैल्यू आपको यहाँ से पता लग गई, राइट। तो इसको सबसे पहले मैं इसका डिवीजन कर लेता हूँ। यहाँ पे 1 kg को इक्वल किसके रखा गया, अल्फा के जी के रखा, ठीक है भाई। उसी तरीके से यहां से लेंथ चेक करो, पावर कितनी आ गई, 1 आ गई। लेंथ का स्क्वायर करना है, लेंथ यहाँ पे क्या थी, 1 meter थी, यहाँ पे कितनी आ गई, बीटा मीटर आ गई। तो यूनिट दोनों की सेम रखनी है हमेशा, तभी काम चलेगा यहाँ पे, राइट। और यूनिट इसका क्या है, लेंथ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे 1 second पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे था 1 second था और यहाँ पे गामा सेकंड था, राइट। अब गामा सेकंड का पावर देखो कितनी है, पावर -2 है, राइट। अब यहाँ से इसको सोल्व करो, एन टू की वैल्यू कितनी आएगी, पहले पुरानी वाली, यहाँ पे एन वन है, पुरानी वाली वैल्यू कितनी है, 4.2 है, राइट। अब यहाँ से कितना आया, ये आपका केजी केजी कैंसिल्ड आउट हो गया, और अल्फा यहाँ पे कितना आ गया, अल्फा का इनवर्स आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे बीटा का -2 आ गया। अब यहाँ पे गामा देखो, गामा नीचे -1 पहले से ही है, और ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पे गामा स्क्वायर आपका यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो ये तो आ गया आपका कन्वर्जन किस तरीके से करना है, राइट। अल्फा -1, गामा -2 और सॉरी गामा स्क्वायर एंड बीटा -2, राइट। तो इसी तरीके से आपको ये प्रॉब्लम करनी होती है जिसमें आपका यूनिट कन्वर्ट होती है, और आपको चेक करना होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू किस तरीके से चेंज होगी उस सिस्टम में, राइट। तो ये था आपका कौन सा, एक्सरसाइज 2.3। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.4, राइट। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, बट ये ओनली थ्योरेटिकल में दिया हुआ, राइट। तो बेसिक है, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, तो थ्योरेटिकल है ओनली, राइट। अब इसमें बोल रहा है कि एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट क्लियरली, स्टेटमेंट है उसको हमें बताना है कि भाई क्या इसमें जो है सही है क्या गलत है, इस तरीके से कुछ है। और बोल रहा है कि टू कॉल ए डायमेंशनल क्वांटिटी लार्ज और स्मॉल इन मीनिंगलेस विदाउट स्पेसिफाइंग ए स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन। तो हमने पहले ही बताया कि कोई भी मेजरमेंट करते हो, किसी भी क्वांटिटी को छोटा बड़ा अगर आप बताते हो, तो उसको हमेशा आप कंपेयर करते हो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, विदाउट उसके आप ये कह ही नहीं पाओगे कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, राइट। सो इन व्यू ऑफ दिस रेफरेंस द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेर एवर नेसेसरी, हमें बताना है कि कैसे इसमें सही है या फिर नहीं, या फिर क्या इम्प्रूव करना चाहिए, जो भी है। पहला स्टेटमेंट है कि एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। अब एटम्स जो है काफी स्मॉल ऑब्जेक्ट है, इसके कंपैरिजन हमें करके बताना पड़ेगा। एटम का साइज 10^-10 में होता है। नॉर्मली जो हम चीजें देखते हैं उनका साइज किस में रहता है, मीटर सेंटीमीटर एमएम में रहेगा। मैक्सिमम आप चले जाओगे 10^-5 तक चले जाओगे, राइट। नॉर्मल जो डेली लाइफ ऑब्जेक्ट है उनमें मॉलिक्यूल्स तक, राइट। बट जो एटॉमिक साइज है वो तो काफी छोटा है। तो कंपेयर आपने किससे किया, जो डेली लाइफ ऑब्जेक्ट जो है, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट, क्लासिकल ऑब्जेक्ट अगर आप कहोगे तो -3 meter तक आप बात करते हो, तो उनसे कंपेयर किया हमने एटम को, इसीलिए हमने बोला कि एटम छोटा होता है, राइट। सेकंड स्टेटमेंट है कि जेट प्लेन मूव्स विद ग्रेटर स्पीड कंपेयर टू स्पीड ऑफ ए व्हीकल लाइक बस। तो जो एरोप्लेन है या फिर जेट प्लेन है, उसका जो स्पीड रहेगा वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर पर सेकेंड रहता है, राइट। तो पर आवर रहता है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर पर आवर। और जो स्पीड है उसको हमने कंपेयर किससे किया, नॉर्मल व्हीकल का स्पीड कितना होता है, 100 मैक्सिमम, अगर आप नॉर्मल व्हीकल की बात करो, बाइक का 100, सेम कार वगैरह का भी क्या है, यही 150-120 किलोमीटर पर आवर। तो जेट इंजन का जो जेट प्लेन है उसका स्पीड काफी ज्यादा, तो हमने कंपेयर किया व्हीकल से, नॉर्मल जो व्हीकल होते हैं उनसे।
थर्ड स्टेटमेंट है कि द मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज. अब इसको अगर सन से कंपेयर करते तो जुपिटर का मास कम है. इट मींस इसको हमने कंपेयर किससे किया, कम मास के ऑब्जेक्ट से. तो कम मास का ऑब्जेक्ट अर्थ भी हो सकता है, तो अर्थ से कंपेयर करेंगे तो देखेंगे जुपिटर का मास काफ़ी ज़्यादा है, राइट. तो इस तरीके से इसको कंपेयर किया गया होगा. सो द एयर इनसाइड रूम, फोर्थ स्टेटमेंट है आपका, द एयर इनसाइड द रूम कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. लार्ज नंबर आप किसको कहोगे, 10^15, 16, इतनी अगर मॉलिक्यूल्स हैं पर सेंटीमीटर क्यूब में, छोटी सी वॉल्यूम में, अगर इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो ये वॉल्यूम काफ़ी बड़ी वॉल्यूम, काफ़ी बड़ा नंबर आप इसको कंसीडर करोगे, राइट. पांचवा स्टेटमेंट है कि प्रोटॉन इज मच मोर मैसिव. अब किसके कंपैरिजन में कहोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काफ़ी कम होता है कंपेयर टू प्रोटॉन मास के 10^4 का डिफरेंस होता है, राइट. तो 10^4 तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है. द स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर. स्पीड ऑफ साउंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, बट ये स्मॉलर होती है, मच स्मॉलर किसे, स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट वैसे फास्टर स्पीड है, राइट. तो आप कहोगे कि हाँ, स्पीड ऑफ लाइट का जो कंपैरिजन आप करोगे स्पीड ऑफ साउंड से, तो हमेशा आपको कम ही मिलेगा स्पीड ऑफ साउंड. अब बात करते हैं आपकी एक्सरसाइज 2.5. ये भी बेसिकली थोड़ा देखोगे तो थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन है, राइट. तो इसमें स्टेटमेंट क्या गया दिया गया है कि न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चोजन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी. तो थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, बाकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. तो बाकी एग्जाम्पल कितना आ गया, 2.5 में क्या बोला गया है कि स्पीड ऑफ लाइट को कैसे लिखते हैं, सी इज इक्वल टू 3×10^8 और ए मीटर पर सेकेंड है. अब बोला गया इसको हमने बोला किसी दूसरे यूनिट सिस्टम में 1 और यूनिट इसको बोल दिया. यहाँ पे तो मीटर पर सेकेंड यूनिट है, वहाँ पे हमने कुछ यूनिट लिख दिया, बट डायमेंशन दोनों का सेम होगा, बाकी यूनिट थोड़ी अलग होगी. तो हमने बोला कि 1 यूनिट, हमने एक अलग यूनिट सिस्टम डिफाइन किया वहाँ पे. इतनी वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट इफ लाइट टेक्स 8 मिनट. अब बोल रहा है कि अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस हमें पता करनी है, राइट. तो लाइट की स्पीड इतनी है और टाइम जो है सन और अर्थ, सन टू अर्थ अगर मैं लिख देता हूँ, ये लगता है 8 मिनट एंड 20 सेकेंड, राइट. इतना टाइम लगता है. अब ये कहना चाह रहा है कि अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो नॉर्मल हम क्या करते थे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय कितना टाइम, हम स्पीड डिफाइन करते थे. अब यहाँ से डिस्टेंस आपको निकालना है तो टाइम से मल्टीप्लाई करो. तो किस यूनिट सिस्टम में निकालना है आपको, ये यूनिट सिस्टम है उसमें निकालना है आपको, किसमें, नए यूनिट सिस्टम में. और इसकी जो यूनिट्स हैं नए यूनिट सिस्टम की, मान लिया कि इसकी मैं अगर ऐसे ना बोल के इसको मैं बोल दूं कि इट इज यूनिट पर सेकंड, तो कैसे दिया हुआ, सेकंड को हम सेम कंसिडर करते हैं बट डिस्टेंस की जो डायमेंशन है ना उसको हमने यहाँ पे चेंज किया गया, राइट. अब टाइम हमें दिया गया और ये पूछ रहा है कितना डिस्टेंस होगा. हमने इसको यूनिट पर सेकंड इसलिए लिखा बिकॉज टाइम हम क्या है सेकंड में कंसीडर करेंगे यहाँ से, ताकि यूनिट कैंसिल आउट हो सके. तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये सेकंड में दिया हुआ है कि मीटर में दिया हुआ, सेकंड है या फिर मिनट है या फिर जो भी. तो हमने बोला कि सेकंड में अगर यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट हमें नहीं पता. तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको डिस्टेंस निकालना है, एक्स विल बी इक्वल टू, अब 8 मिनट है, 8 मिनट को आप सेकंड में चेंज करो प्लस 20, ये आपका टोटल टाइम हो गया. और 1 यूनिट पर सेकंड अगर है तो यहाँ पे ये भी सेकंड में, सेकंड सेकंड आपका कैंसिल हो गया. तो एक्स विल बी इक्वल टू, कैलकुलेशन करोगे तो 500 आपको मिलेगा. तो ये आपका डिस्टेंस निकल गया अर्थ और सन का के बीच में. अगर आप नए यूनिट सिस्टम में जो यूनिट है डिस्टेंस का उसको अगर आप यूनिट से डिफाइन करते हो तब, राइट. तो ये आपका हो गया एग्जांपल, कौन सा, एक्सरसाइज 2.5.
अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.6, ये भी एक थ्योरेटिकल टाइप नहीं है, राइट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्सरसाइज 2.6। बोला क्या गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस ऑफ मेजरिंग लेंथ। अब प्रिसाइज डिवाइस चेक करनी है तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, उस डिवाइस का लिस्ट काउंट चेक करना पड़ेगा। जिस डिवाइस का जितना कम लिस्ट काउंट है उतना कम वैल्यू मेजर कर पाएगी और उसका प्रिसीजन उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक वर्नियर कैलिपर्स दिया हुआ है, 20 डिवीजन उसमें वर्नियर स्केल में दिया हुआ है। तो जब हम वर्नियर स्केल वर्नियर कैलिपर्स डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि अगर वर्नियर के 20 डिवीजन अगर 19 डिवीजन से करेंगे तो जो शॉर्ट फॉर्म में अप्रोक्सीमेट जो लिस्ट काउंट निकालने का तरीका था, जिसको मैंने बोला था कि गलत तरीका है, सही नहीं है, एक बार उसी के हिसाब से देखते हैं कि अगर वर्नियर का 20 डिवीजन होते तो कितना उसका लिस्ट काउंट आता। तो 1/20 करोगे और ये किस में है, एमएम में है, बिकॉज वर्नियर होता है सेंटीमीटर स्केल में, सेंटीमीटर स्केल में मिनिमम मेन स्केल रीडिंग 1 mm होती है, तो 1 mm/20। अब इसका आप करोगे तो दिस विल बी योर 5×10⁻¹ कैलकुलेशन करने के बाद इतना इसका रेजोल्यूशन है या फिर लिस्ट काउंट आप बोल सकते हो। अब बात करते हैं सेकंड डिवाइस की। सेकंड डिवाइस बोल रहा है एक स्क्रू गेज है जिसका पिच जो है वो 1 meter। पिच क्या चीज होती है, हमने एक कंप्लीट रोटेट उसको किया तो कितना वो जो आपका रोटेटिंग स्केल था कितना खिसक गया, मेन स्केल में कितना खिसका, उसको बोलते हैं पिच, कंप्लीट रोटेशन, राइट। अब कंप्लीट रोटेशन में इतना हो गया तो इट मींस पिच और जो रोटेटिंग है उसके ऊपर स्केल के ऊपर कितनी रीडिंग होनी चाहिए, उससे हम लिस्ट काउंट निकालेंगे। तो रोटेटिंग स्केल के ऊपर 100 डिवीजन है, लिस्ट काउंट कितना आ गया, एक पिच में 1 mm है और एक पिच को कवर करने में 100 आपने डिविजन यूज किए तो लिस्ट काउंट कितना हो गया। इसको कितने करोगे, मीटर में चेंज है, एमएम करोगे तो एमएम कितना आता है, 10⁻³ meter, यहां से भी तो यहां -3 और -2 ये हो गया 10⁻⁵ meter। मल्टीप्लाई बाय 1 है तो इसका लिस्ट काउंट बड़ा है कंपेयर टू इसके। अब थर्ड वाला भी देख लेते हैं। अब थर्ड वाले का क्या आएगा, अगर मैं यहां लिख देता हूं थर्ड सी, इसमें बोला गया है कि एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर लेंथ टू विद इन ए वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब लाइट का जो वेवलेंथ होता है ना वो नॉर्मल अगर अप्रोक्सीमेट में लिखता हूं तो 400-700 nm में अप्रोक्स रेंज लिखा है मैंने, एग्जैक्ट रेंज नहीं है, अप्रोक्सीमेट लिखा, तो हंड्रेड्स ऑफ नैनोमीटर यहाँ पे हमने देखा। यहां से अगर आप देखोगे तो कितना आ गया, 10⁻² यहां से 0 0 कैंसिल आउट करोगे, नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁹ meter। अब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ गया, अप्रोक्स अगर आप चेक करोगे -7 meter। तो यहां से अगर मैं लिखता हूँ सी जो ऑप्शन था उसका लिस्ट काउंट अगर देखे तो अप्रोक्स लिख देते हैं 10⁻⁷ meter। तो आप सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि ये -7 है, ये आपका -5 है, ये आपका 5×-5 है, सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन और प्रेसिजन सबसे ज्यादा अच्छा किसका होगा, इसका होगा। उसके बाद आती है इसकी बारी और सबसे लास्ट में आएगा आपका वर्नियर। तो ये आपका हो गया एक थ्योरेटिकल टाइप में ये क्वेश्चन था, राइट। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, राइट। तो ये तो था आपका ये वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे 2.7 को, थोड़ा मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ, राइट। सो उसको देखेंगे फिर, राइट। सो अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका एक्सरसाइज हो गया 2.7। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कम्प्लीटली, बट स्टिल इसको देख लेते हैं, राइट। 2.7 इसमें बोला गया कि ये स्टूडेंट मेजर्स द थिकनेस ऑफ ए ह्यूमन हेयर। बाल का जो थिकनेस है वो मेजर करता है। अब डायरेक्टली तो मेजर कर नहीं पाएगा मीटर स्केल या फिर वर्नियर कैलिपर से, बिकॉज काफी स्मॉल होता है, इवन स्क्रू गेज से भी मेजर करना थोड़ा मुश्किल होगा, राइट। ह्यूमन हेयर को ये मेजर करता है, लुकिंग एट इट थ्रू ए माइक्रोस्कोप ऑफ मैग्निफिकेशन 100। अब मैग्निफिकेशन 100 क्या होता है, एक हमारे पास ये बाल था, अब इसको मैग्निफाई हमने किया, इतना छोटा सा पोर्शन इसको जूम किया, कितना जूम किया, 100 times जूम किया। अब जूम करेंगे तो बाल कुछ ऐसा दिखेगा, राइट, कुछ ऐसा दिखेगा।
अब इसकी विड्थ आप मेजर कर पाओगे हाथ से। तो ये जो स्टूडेंट था इसने क्या किया, 20 ऑब्जर्वेशंस ली एंड फाइंड्स द एवरेज विड्थ ऑफ द हेयर इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के फील्ड ऑफ व्यू में ये जो डिस्टेंस निकाली इसने, ये 3.5 mm, इट मींस माइक्रोस्कोप में देख के 3 mm निकाला। कितना मैग्निफिकेशन लगा के, 100 मैग्निफिकेशन लगा के 100 टाइम्स उसको जूम इन कर दिया। अब ये बोल रहा है कि उसकी एग्जैक्ट हेयर की विड्थ क्या है पता करो। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर 100 टाइम्स इसको बड़ा किया है तो ओरिजिनल निकालने के लिए 100 टाइम्स इसको क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, 3.5 mm है और इसको डिवाइड कर दो किससे, 100 से, और इसको यहाँ पे आप क्या लिख दो, यहाँ पे ये mm था, सो इट इज 10^-3 मीटर की टर्म में लिखते हैं, या फिर mm में ही अगर आप इसको करोगे तो 3.5 mm, और यहाँ से ये आ गया 0.035, ये आपका विड्थ हो गया ह्यूमन हेयर का। तो ये नॉर्मल आप क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या कर पाओगे, इजीली सॉल्व कर पाओगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है, डायरेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2.8, ये भी काफी इजी है, ये आपका एक्सरसाइज 2.8 आ गया। अब एक्सरसाइज 2.8 में क्या बोला गया है कि आंसर द फॉलोइंग, फर्स्ट बोला गया है कि यू आर गिवन ए थ्रेड एंड ए मीटर स्केल, हाउ विल यू मेजर द डायमीटर ऑफ द थ्रेड। ये थोड़ा सा बेसिक है, ट्रिकी क्वेश्चन है, कैसे करोगे, मीटर स्केल से तो थ्रेड का मेजर कर ही नहीं पाओगे, उसके लिए तो आपको इनडायरेक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा या फिर आपको स्क्रू गेज का यूज करना पड़ेगा, दोनों चीजें आपके पास नहीं, ओनली मीटर स्केल है, कैसे करोगे। तो इसको करने का तरीका सिंपल सा है, ये मीटर स्केल लिया हमने, राइट, और जो धागा हमारे पास था हमने इसके ऊपर लपेटना स्टार्ट कर दिया इसको, और क्लोजली स्पेस्ड होने चाहिए, बिल्कुल चिपकते चिपकते, राइट, ऐसे ऐसे करके हमने इसको लपेटा और हमने बोला कि यहाँ पे n टर्न्स आपने यहाँ पे करे। अब n टर्न यहाँ पे करे और यहाँ पे ये डिस्टेंस आपने कितना चला वो मेजर कर लीजिए। यहाँ पे x, यहाँ पे मान लीजिए मीटर स्केल है तो मैं इसको मीटर लिख देता हूँ या सेंटीमीटर लिख दू, जैसे मीटर लिखा हमने। इसका विड्थ निकालना है तो कितना होगा, देखिए अब एक टर्न जो है वो कुछ कवर करेगा, राइट, अब एन टर्न जो है कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे, मान लो विड्थ जो है थ्रेड का वो कितना था, मान लीजिए वाई था, राइट, अब वाई मल्टीप्लाई बाय कितने टर्न है वो किसके इक्वल आ जाएगा, आपके एक्स के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे निकालना क्या है आपको, वाई निकालना है, तो वाई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो x जितनी आपने मीटर स्केल में रीडिंग नोट की मीटर में, उसको जस्ट नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी, राइट, सिंपल सा कंसेप्ट था यहाँ पे, डिवाइड करना नंबर ऑफ टर्न से, राइट। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था, राइट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट इसके बी पार्ट पे, ये तो था इसका ए पार्ट, राइट, ये इसका पार्ट ए था, इसका पार्ट बी भी दिया हुआ है, राइट, और इसका सी भी दिया हुआ, राइट। अब बोला गया कि स्क्रू गेज हैज ए पिच ऑफ 1.0 mm एंड 200 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, ठीक है भाई, डू यू थिंक इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द स्क्रू गेज आर्बिट्रेरी बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिविजन ऑन द सर्कुलर स्केल। ऑब्वियसली बात है होगा, क्यों होगा, बिकॉज लिस्ट काउंट जो है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बी पार्ट, लिस्ट काउंट होता क्या है, आपकी वन मेन स्केल डिवीजन है डिवाइडेड बाय आपका कितना आ गया, रोटेशन डिवीजन जो है कितने है टोटल। तो पहले में इसने कितना दिया हुआ, कितना दिया हुआ था, 1.0 mm दिया हुआ, 200 से डिवाइड करोगे तो कुछ वैल्यू लिस्ट काउंट क्या आएगी। अगर आपको इसी को अगर मान लीजिए आपने 400 कर दिया डिवीजन को, तो ऑब्वियसली लिस्ट काउंट कम हो जाएगा। अब लिस्ट काउंट कम होगा इट मींस आपका प्रिसीजन इंक्रीज हो गया, और प्रिसीजन इंक्रीज हो गया तो वही ये पूछना चाह रहा है कि एक्यूरेसी अगर आप
क्या एक्यूरेसी को आप इंक्रीज कर सकते हो. सो ऑब्वियसली बाय इंक्रीजिंग द लिस्ट काउंट सो प्रिसीजन आपका इंक्रीज हो जाएगा. अब प्रिसीजन इंक्रीज होगा तो जितना प्रिसाइज आप मेजरमेंट करोगे, अगर आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है तो एक्यूरेसी भी आपकी अच्छी आएगी. राइट, अगर इंस्ट्रूमेंटल एरर अगर उसमें है तो फिर एक्यूरेसी भी नहीं आएगी. बट हम अज्यूम कर रहे हैं कि कोई इंस्ट्रूमेंटल एरर आपके सिस्टम में नहीं है, देन ऑब्वियसली यस इट विल इंक्रीज. राइट, अब इसी का सी पार्ट है. अब ये भी थ्योरेटिकल है कि द मीन डायमीटर ऑफ ए थिन ब्रास रोड इज टू बी मेजर्ड बाई वर्नियर कैलिपर्स. वाई इज ए सेट ऑफ 100 मेजरमेंट ऑफ द डायमीटर एक्सपेक्टेड टू यील्ड ए मोर रिलायबल एस्टिमेट देन द सेट ऑफ 5 मेजरमेंट. राइट, तो इसके लिए सबसे पहले क्या चीज थी कि अगर इसमें अगर 5 मेजरमेंट लेंगे और एक 100 मेजरमेंट लेंगे तो ऑब्वियसली आपका एरर डिक्रीज हो जाएगा 100 मेजरमेंट में, बिकॉज आपका जो रैंडम एरर है दैट विल रिड्यूस इन 100 मेजरमेंट्स. राइट, तो दैट्स द मेन कंसेप्ट ऑफ दिस पार्ट सी. राइट, तो 100 डिवीजन अगर है, सॉरी 100 मेजरमेंट्स अगर आपने रिपीट किया है उसको, इट मींस आपकी जो रैंडम एरर है हर मेजरमेंट में, तो उसका एवरेज लोगे आप हर, अब तो 100 का एवरेज लोगे देन रैंडमनेस कम आएगी, 5 का एवरेज लोगे तो रैंडमनेस ज्यादा दिखेगी आपको, किसमें, एब्सोल्यूट एरर में. राइट, तो एब्सोल्यूट जो एरर है या फिर एक तरीके से रैंडमनेस जो है उसको जितना कम करना चाहोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, और जितनी ज्यादा रेटिंग होगी उतनी कम रैंडमनेस आएगी. तो यही इस क्वेश्चन में क्या गया बताया गया. राइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन. और एक्सरसाइज 2.9 पे हम मूव करते हैं. तो ये काफी सी को मैं रिमूव कर देता हूँ. यहाँ पे क्या आ गया, एक्सरसाइज 2.9, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी. फोटोग्राफ ऑफ ए हाउस ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन ए 35 mm ऑफ योर स्लाइड. तो हमारे पास एक स्लाइड है, ये कुछ एक स्लाइड है, इसमें है क्या जी, ये 35 mm का स्लाइड है. राइट, और इसके अंदर हमने कुछ यहाँ पे कुछ हाउस का पिक्चर था यहाँ पे ये. तो ये जो हाउस है ना, इसका एरिया जो है इसके अंदर कितना है, 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया हाउस ने कर रखा है इस वाले 35 mm आपका एक स्लाइड थी उसका. अभी कह रहा है कि द स्लाइड इज प्रोजेक्टेड ऑन टू ए स्क्रीन एंड द एरिया ऑफ द हाउस ऑन द स्क्रीन इज, अब इसको प्रोजेक्टर इसके पीछे लगाया हमने यहाँ पे, अब यहाँ से पीछे से लाइट करी या फिर जो भी है प्रोजेक्टर इसके ऊपर किया ना, तो ये जो इमेज है ये बड़ी हो जाएगी. अब ये बड़ी होके कुछ दिखी तो उसका अंदर जो मैं लिखता हूँ फाइनल जो एरिया है वो कितना दिखा दीवार के ऊपर, दैट इज 1.55 मीटर स्क्वायर. अब ये पूछना चाह रहा है व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन. अब यहाँ पे एक चीज आती है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होती है मैग्निफिकेशन. अब ये एरियल भी हो सकता है, ये लीनियर भी हो सकता है, और ये वॉल्यूम में भी हो सकता है. राइट, ये तीन चीज हो सकती है. सबसे पहले एरियल निकालते हैं कि कितना एरिया मैग्निफाई हुआ. राइट, तो एक ने एरिया मैग्नीफाई हुआ तो फाइनल एरिया, तो मैग्नीफिकेशन को अगर मैं एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो फाइनल कितना है डिवाइडेड बाय जो सबसे छोटे वाला इनिशियल है वो कितना है. राइट, तो यहाँ पे सिंपली लिख के डिवाइड कर दो तो ये है 1.5 और एमएम मीटर स्क्वायर है तो इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में. तो ये आपका हो गया 100 और यहाँ पे ये हो गया स्क्वायर और यहाँ पे नीचे कितना का 1.75. राइट, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया. सॉरी इट इज 1.5. इसका कैलकुलेशन करोगे तो वैल्यू मिलेगी आपको कितनी, 8.857
ये आपका एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आ गई। इसका भी आप साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करो और सिग्निफिकेंट फिगर 3 रखने हैं आपको यहाँ पे, बिकॉज ऊपर नीचे देखोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है 3 है, तो इसमें भी 3 करोगे तो अप्रोक्स करके इसको 8.86 कर दोगे, राइट। बट यहाँ पे हमें पूछा क्या गया है, लीनियर मैग्निफिकेशन पूछा गया है, ये तो एरिया का मैग्निफिकेशन आ गया। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है कि जो लेंथ है वो किस हिसाब से मैग्निफाई हुई है। एरिया तो मैग्निफिकेशन चेक कर लिया, लाइन का चेक करेंगे कैसे। मान लीजिए ये स्क्वायर था, एक हमने अज्यूम कर लिया कि ये स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली हाउस का जो डायमेंशन था ना स्क्वायर, तो ये जो लीनियर निकालेंगे तो इसका इसका मल्टीप्लाई एरिया होता है। अब ये दोनों सेम, हम अगर स्क्वायर था तो अब इसका अगर लेंथ लीनियर मैग्निफिकेशन अगर मैं चेक करूँ तो इसका अंडर रूट कर दो और क्या है कि नहीं 8.857, तो ये, और जो आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 94.1। और 3 सिग्निफिकेंट डिजिट कंसिडर किया मैंने, बिकॉज यहाँ से 3 सिग्निफिकेंट डिजिट आपके हैं। तो ये आपका क्या हो गया एक्सरसाइज, आपका कौन सा हो गया 2.8, राइट। अब नेक्स्ट आपका 2.10 है उसको डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये था आपका 2.9, सो इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ एक बार, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखें, राइट।